सिख बहनों के गुनाहगारों को, कश्मीरी सिख बहनों के गुनाहगारों को, कश्मीरी सिख बहनों के गुनाहगारों को, कश्मीरी सिख बहनों के गुनाहगारों को, बोले सो निहाल, बोले सो, बोले सो निहाल, कश्मीरी सिख बहनों के गुनाहगारों को, भारत माता की, भारत माता की, धर्म परिवर्तन के खिलाफ मोदी जी कानून बनाओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच पंजाब प्रांत वालों भारत माता के महान सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम एक मंग पत्र सौंपिया है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर दो मेरिया भैणों का लव जहाद का मामला जरा सामने आया है, उदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच सख्त शब्दों से निंदा करता है। ये पंजाब की धरती, इस देश की धरती, क्रांतिकारी वीर की धरती है। इस धरती के उत्ते धर्म का परिवर्तन हो जाए, लव जहाद का मामला आ जाए, देश का नौजवान चुप करके बैठे। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहवागा कि जागते रहना वीर जवानों, और कसम तुहानू अवतारा दी किते चोट ना लग जाए, माता दे सीने ते कुर्सी भगत गद्दारा दी किते गद्दारा दी किते चोट ना लग जाए। इस करके अज भारत देश के अंदर इस पंजाब की धरती ते लगातार धर्म का परिवर्तन हो रहा है। सफेद पोश नेता लोग वोटों की खातर चुपचाप बैठे हुए, उन्होंने वोटों नाल प्यार है, इस मातृभूमि नाल प्यार नहीं है। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रार्थना करदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के माध्यम के नाल कि मोदी जी ये लव जिहाद का मामले लगातार पंजाब प्रांत च, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन देखने को मिलते हैं। इन्हां दे अनेक हौसले बुलंद हो चुके हैं, इन्हां दे पिछे सफेद पोश नेता कम करते हैं, जिन्हां नूं मातृभूमि नाल प्यार नहीं, देश नाल प्यार नहीं। आओ मेरे देशवासियों, ये मेरी पंजाब की धरती, भगत सिंह की धरती ते मैं नौजवानों नूं आह्वान करांगा, आओ इस लव जहाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए, ताकि अज जिहड़ियां मेरियां भैणां उन्हां दा शिकार होइयां है, कोई मेरी भैन होर भारत देश दे अंदर इस लव जहाद का शिकार ना हो सके। ये लोग अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के, ये पोले पाले गरीब लोगों को फुसलांदे ने, फिर भैणों के नाल अत्याचार होंदे ने। अज तो दो तीन साल पहला लुधियाना के अंदर भी घटना घटी, जदों असी DGP तक धरने ते प्रदर्शन किए लुधियाना के अंदर, जदों भैन आई वापस और रोंदी ते कुरलांदी दसदी सी कि मैनू गौ मास तक खिलाया गया, क्या देश प्रदेश के नेता लोग खामोश क्यों है? आज लगातार लव जहाद का मामला बढ़ रहा है। सारे देशवासियों, नौजवानों, उन्हां राजनीति लोगों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करो, जिहड़े राजनीति लोग धर्म परिवर्तन करवाण वालों का समर्थन करते केवल वोटों की खातर,
केवल वोटों की खातर लव जिहाद करने वाले का समर्थन करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच भारत की सरकार को एक मंग करती है, देश की लोकसभा के अंदर, देश की राज्यसभा के अंदर एक ऐसा कानून बन जाए ना तो धर्म परिवर्तन करवाने वाले लव जिहाद वाले शरे बाजार फांसी होवे, ता कि किसी भैन नू होर ना अगे तो बरगला सकन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की यह मंग है। इस करके अज मेरे भाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा राष्ट्र के हित च कम करता है, जेड़े राष्ट्र के अहित च कम करते हैं उन्होंने खिलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहा है और मरदे दम तक करते रहना है। इन्हां शब्दों के नाल मैं पत्रकार भाइयों से प्रार्थना करांगा कि इनू छापो, ये पंजाब की देश की धरती बचाने का काम ये देश का तुसी चौथा सितंभ हो, इन्हों उजागर करो किहड़े किहड़े नेता लोग इन्हां दे पिछे ने, धर्म परिवर्तन करवाने वाले दे पिछे है। असी किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं, पर साडे धर्म के विरुद्ध कोई गल करे असी उन्हूं सहन नूं भी कोई तैयार नहीं है। आओ सारे रल मिल के इस भारत देश नूं बचाइए। मैं पहला भी कहा कि जागदे रहना वीर जवानों, वह कसम तुहानूं अवतारां दी कितें चोट ना लग जाए, माता दे सीने ते कुरसी भगत गद्दारां दी, ये कुरसी भगतां दी बदौलत ही ये लव जहाज के मामले आते हैं, धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं। ये साड़ी मंग है, उन्हां ते तुरंत कार्रवाई होवे, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की मंग है।